करोड़ के कचरा वाहनों की खरीद में भ्रष्टाचार के खिलाफ और कचरा संग्रहण कंपनी के कर्मचारियों को 10 लाख का स्वास्थ्य एवं दुर्घटना बीमा प्रदान करने के लिए नागपुर शहर की ओर से शहर प्रमुख नितिन तिवारी के नेतृत्व में नागपुर महानगर पालिका प्रशासन के खिलाफ आंदोलन किया गया। नागपुर महानगर पालिका में पिछले 1.5 साल से प्रशासन राज शुरू है, जिस वजह से जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मनपा के कचरा संकलन ठेका कंपनी के काम में कई खामियां हैं, जिसे लेकर वक्त वक्त पे सवाल उठाए गए हैं। कंपनी के काम में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर भी कई सवाल उठाए गए हैं। इस बार उबाटा गुट के शिवसेना ने आज मनपा में जोरदार प्रदर्शन किया है। इस वक्त नितिन तिवारी ने कचरा वाहनों की खरीदी में हो रहे भ्रष्टाचार और कर्मचारियों को 10 लाख का सुरक्षा बीमा देने की मांग की है। बिल्कुल, सबसे पहले तो बड़े मजे की बात है, इस नागपुर महानगर पालिका में 30 करोड़ का वाहन खरीदी घोटाला हुआ है। यह हुआ कंपनी जहां एजी और बीबीजी को नागपुर शहर कचरा संकलन की जिम्मेदारी 2019 में दी गई थी, उनको पूरे वाहनों का बंदोबस्त करना था, परंतु राजनीतिक नेताओं के साथ नागपुर महानगर पालिका के अधिकारियों ने एक टेंडर स्कीम किया है। ये टेंडर स्कीम ऐसा है कि इन्होंने एक निविदा निकाली जिसमें 27 करोड़ की गाड़ियां खरीदी थी जो कचरा संकलन के लिए खरीदी जानी थी। उसकी निविदा निकालने के बाद उनका ये कहना है कि कोई नहीं आया, उन्होंने उस पर कॉरिजेंडम निकाला। उन्होंने फिर दूसरी निविदा निकाली कंपनियों को इन्वाइट करने के पहले, तिथि खत्म होने के पहले कॉरिजेंडम शुद्धि पत्रक निकाला। शुद्धि पत्रक में ब्लैकलिस्टेड कंपनी को रिलैक्सेशन दिया गया। पहले 7 वर्ष की कंडीशन थी कि वो भाग नहीं ले सकती, अगर कोई ब्लैकलिस्टेड है तो उसको 5 वर्ष किया गया, क्योंकि उनको नोएडा की कंपनी जो न्यू दिल्ली कॉर्पोरेशन से ब्लैकलिस्टेड है उस टीपीएस कंपनी को ठेका दिलाना था। उसके बाद बात यही नहीं रुकती, उसको ठेका देने के बाद कॉरिजेंडम में एनेक्चर बी में सीधा सीधा नागपुर महानगर पालिका ने दिया गया है कि जो कंपनी ठेका ले रही है 23 करोड़ 80 लाख का जो कंपनी ठेका ले रही है वही कंपनी इन वाहनों का संचालन करेगी। उसके बावजूद अतिरिक्त आयुक्त नागपुर शहर और राधा कृष्णन IAS इन्होंने मिलकर एक खरीदी समिति बनाया। खरीदी समिति ने ढोंग दस्तूर दिखाकर इस नागपुर महानगर पालिका के जनता की तिजोरी को लूटने के लिए, सरकारी पैसों के लूटने के लिए एक और निविदा मेंटेनेंस के नाम से मंगाई कि इन वाहनों को मेंटेनेंस के बंद लिफाफा। सीबीसी का नियम है 10 लाख के ऊपर कोई भी निविदा नहीं दी जा सकती, परंतु करोड़ों की निविदा बंद लिफाफे में बाजार समिति का, मेरे पास कागजात है, बाजार समिति जो खरीदी समिति है उसने अप्रूवल दिया, जिसके अध्यक्ष अतिरिक्त आयुक्त नागपुर शहर थे, और इसके बाद वो कंपनी का एजी मोटर, ये वो एजी मोटर है जिसकी सिस्टर एजेंसी एजी एनवायरो ऑलरेडी कचरा संकलन में काम कर रही है। और ये पूरा घोल होने के बाद एक कंपनी हाईकोर्ट में माननीय उच्च न्यायालय के पास गई है। तो देखिए कितनी बड़ी विडंबना है, ये 30 करोड़ का वाहन खरीदी घोटाला जो कि इन कंपनियों के वाहन कबाड़ है, ड्राइवर परेशान है, कर्मचारी परेशान है, उसके बाद नागपुर महानगर पालिका में घोटाला। आज मैं आयुक्त के पास ये पूरा मोर्चा लेकर आया हूं कि आयुक्त तुरंत उन अधिकारियों को, जिसमें 6-7 अधिकारी हैं जो खरीदी समिति में, सबको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाए और उस समय के तत्कालीन राधाकृष्णन IAS के खिलाफ इंक्वायरी की जाए, और अधिवेशन में हम अपने माननीय नेतागणों को देकर इसका LAQ उठाएंगे। साथ में यहाँ कर्मचारी आए हुए हैं, ये कर्मचारी दिन रात बीवीजी और एजी के लिए काम करते हैं, इनका ESIC बंद किया गया है, बीमा के नाम से मात्र 1-1.5 लाख रुपए दिए जाते हैं, वो भी जब ये हॉस्पिटलाइज होते हैं इनके परिवार को कोई कंसेशन नहीं मिलता, इलाज के बाद कंपनियां मना करती है। ये गरीब आदमी जो दिन रात 8 से 10 घंटा कचरे में काम करता है, घर में गंदा कपड़ा ले जाता है, औरतें उस कपड़े को धोती है, बच्चे ग्रसित होते हैं, उन लोगों ने क्या करना चाहिए? और जब ये मृतक होते हैं तो इनको 1 पैसे का मुआवजा नहीं। हमने यहाँ बोला है कि नागपुर महानगर पालिका इन स्वच्छता दूतों के लिए सिर्फ इनको सफाई कर्मचारी नहीं, इनको सोशल डॉक्टर का नाम देगी और इनके लिए बीमा तौर पे 10 लाख का बीमा किया जाएगा, और वो 10 लाख के बीमा में इनके पूरे परिजन और परिवारजन सम्मिलित होंगे। यदि कोई ड्यूटी पे मृतक होता है तो उसे 50 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए, घर में किसी अन्य कारण से मृत्यु होती है तो 5 लाख 10 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए। जो मृतक होता है, जो जिंदगी भर इस कंपनी में काम करता है, उसके पूर्वजन को अनुकंपा के हिसाब से उस कंपनी में नौकरी मिलना चाहिए। ये तानाशाही राज कंपनियों का नहीं चलेगा। ये आज मांग लेके पूरे कर्मचारियों के साथ और पूरे शिवसैनिकों के साथ आज हम हल्ला बोल करने आए हैं, और डॉक्टर अभिजीत चौधरी साहब को हम ये बताने आए हैं कि तत्काल उन अधिकारियों को सस्पेंड करो और इन कामगारों को न्याय दो, अन्यथा इस अधिवेशन में मंत्रियों की गाड़ियां रोकी जाएगी, शिवसेना उनके गाड़ियों का उनका कारवा रोकेगी। इसका चैलेंज देता उद्धव बाला साहब ठाकरे का शिवसेना। मनपा के कचरा संकलन विभाग पे भ्रष्टाचार के कई सवाल उठाए गए हैं और सरकार ने इस पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ प्रकाश शुंकलवार की रिपोर्ट।